देवास में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देशन में शहर में लगातार अवैध काम करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नशा मुक्ति अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि माता टेकरी शंख द्वार पर कई दिनों से गांजा बिक रहा है। मुखबिर की सूचना पर माता टेकरी शंख द्वार पर कोतवाली पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई, जहां अनवर पिता गामा निवासी चूड़ी बाखल को गांजे के साथ गिरफ्तार कर NDPS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि नशे के विरुद्ध जो है लगातार अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रहा है। इसमें हमारे द्वारा जो है कल शाम को सोलिसिटर महेंद्र सिंह ठाकुर हैं उनको सूचना प्राप्त हुई थी मुंबई से कि कोई गांजा बेच रहा है और शंख द्वार पर, तो उनके द्वारा जो है तत्काल ही घेराबंदी करके जो है आरोपी को पकड़ा है, जो अनवर पिता गामा निवासी चूड़ी बाखल का है और इसके पास से थैली में रखा हुआ है 200 ग्राम गांजा, उनके द्वारा जो है जब्त किया गया है। इसके विरुद्ध जो है 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जो है माताजी टेकरी के पास में शंख द्वार पर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।